ये छोटी सी लड़की बड़ी तेज है। अभी बताता हूँ इसे कि मैं क्या हूँ। तुम ठीक तो हो ना इमली? ओ वीर, मैं ठीक हूँ। वीर बचाओ, मेरा हाथ छूट रहा है। वीर सॉरी सॉरी, मैं तो बॉस के कहने पर ये कर रहा था। मैं तो तुम्हारे लिए केक लाया हूँ वीर, प्लीज बचा लो मुझे। थैंक यू वीर, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बॉस से छुपा के तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, ये देखो। सिर्फ 3 मिनट बाकी है वीर। ओके दादाजी। दादाजी आप अपने स्पेसशिप में बैठ के चले जाइए, मैं आता हूँ। नहीं, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। इमली, ये बहस का टाइम नहीं है, जल्दी जाओ। सिर्फ 30 सेकंड बाकी है। अगर रोबो बॉय ने मिट्योर को ब्लास्ट नहीं किया तो फुर्सतगंज के साथ साथ और कई शहर भी बर्बाद हो जाएंगे। कुछ पता नहीं चल रहा है रोबो बॉय मिट्योर पे क्या कर रहा है। पता नहीं क्यों हमारे सैटेलाइट मिट्योर के ऊपर की तस्वीरें रिले नहीं कर पा रहे हैं। ओफो, ये वापस आ गए। टाइम नहीं है लड़ने का। बॉय का कुछ पता नहीं। लगता है हमने वीर को। दादाजी, वीर आ गया। वो रहा रोबो बॉय, वो बच गया, उसने सबको बचा लिया। ये तो देखो, ट्रक रोबो बॉय पे ही गिरने वाला है। अरे रोबो बॉय सुनो, वहाँ से हट जाओ, ट्रक तुम्हारे ऊपर ही गिरने वाला है। रोबो बॉय हट जाओ, ट्रक गिरने वाला है, तुमसे नहीं रुकेगा। ये जिंटू कहाँ है? जब भी जरूरत होती है ये गायब हो जाता है। मेरे बेटे बंटी ने फिल्म शूट की है।
कह रहा है बड़ी सस्पेंस फिल्म है, इसका एंड सबको अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं। देखना ये लाल स्कार्फ पुल पे फेंकूंगा ना तो मेरे पापा को कैसा दौड़ाएगा। बंटी ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अरे देखो तो कितना मजा आएगा। तो ये तुम्हारी शरारत थी जो मुझे इतनी मार खानी पड़ी। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये झूठ है पापा। मैं तो घर जा रही हूँ। ड्राइवर सॉरी पापा, मैंने नहीं किया। बबली रुको, मुझे भी साथ ले लो। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वीर से कहो जहाँ बॉडी है वहाँ बॉडी हीट है। ओके। आ, 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 आ। तुमसे कहाँ ना दूर रहो, पास मत आओ। वीर दादाजी कह रहे थे जहाँ बॉडी है वहाँ बॉडी हीट है। हीट सीकिंग डिवाइस ऑन। हीट सीकिंग डिवाइस ऑन। वो दिख नहीं रहा वरना मैं उसे ऐसे रेस फेंक के मारता कि मेरा बस चले तो मैं उसे ऐसी दुलाटी मारूं कि और मेरा बस चले तो ये पत्थर उसे फेंक के ऐसे मारूं लेकिन वो दिख ही नहीं रहा। बस करो बस करो, मैं समझ गया, तुम सब मुझे देख सकते हो। बॉस मैं आ रहा हूँ बॉस। तो ठीक हूँ। टिम्बक्टू इतने क्लोन्स को पकड़ के कंफ्यूज हो गया है और अभी भी हिसाब लगा रहा है कि उसने किसको कहाँ पकड़ा है। जिंटू इन दोनों क्लोन्स को वापस भेजो जल्दी। हाँ दोनों को वापस भेजो। हाँ जल्दी इन दोनों को वापस भेजो। हाँ इन दोनों को जल्दी वापस भेजो, मैं परेशान हो गया हूँ इनसे। हे हे स्टॉप, असली वीर तो मैं हूँ, तुम दोनों जाओ वापस। असली वीर तो मैं हूँ। असली वीर मैं हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अब असली वीर कौन है। इमली तुम बताओ। इमली असली वीर मैं हूँ। दादाजी आप देखिए, मैं भी समझ नहीं पा रही।
हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते हो, जल्दी कुछ करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन असली है कौन नकली। चिंटू ये है असली वीर जो इमली का सच्चा दोस्त है, बाकी दोनों को इमली से कोई लेना देना नहीं। हाँ दादाजी आप ठीक कह रहे हैं, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, तुम दोनों गायब हो जाओ और जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। असली वीर तो मैं हूँ, मैं हूँ। तुम्हारे डिब्बे में मैन फ्रीजिंग डिवाइस है, वो कोच खाली करवा दो जल्दी। सब लोग दूसरे कोच में चले जाइए। यहाँ खतरा है, यहाँ खतरा है, भागो यहाँ से। यहाँ नहीं, उस कोच में जहाँ तुम पहले बैठी थी, जल्दी जाओ, सबको वहाँ से दूसरी कोच में भेजो। तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम इमली बहुत अच्छे से कर रही है। छोड़ो मुझे, वो डिवाइस फट जाएगी। सिर्फ एक मिनट में डिवाइस फट जाएगी और सब लोग फ्रीज हो जाएंगे। इसने मुझे मैग्नेटिक रेस से जकड़ा हुआ है क्योंकि मैं मेटल का बना हूँ। इसका इलाज है मेरे पास, एंटी मैग्नेटिक रेस ऑन। एंटी मैग्नेटिक रेस ऑन। जल्दी बैटरी चार्ज नहीं की तो ट्रेन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। रोबो बॉय जल्दी करो, बैटरी लो हो रही है, पावर खत्म हो रही है। मेरा हाथ पकड़ो, तुम कोच में बैटरी चार्ज कर सकते हो। वेलकम रोबो बॉय। पीट में।